Hey foodies, welcome to Sneha Gupta Recipes and Vlog channel. और आज हम पांच तरह के cupcakes घर पे बनाएंगे without egg, without condensed milk, without mold. बहुत ही आसानी से बनाना, साथ ही इसे हम अच्छे से decorate भी करना सीखेंगे और बहुत ही आसानी से decorate भी करना. तो इस वीडियो में मैं कुछ आपको टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करने वाली हूँ एक परफेक्ट केक बनाने के लिए. और हाँ, इस यहाँ पर मैं जो केक का बैटर बनाने वाली हूँ वो बिल्कुल नए तरीके से आपको बनाने वाली हूँ. बहुत ही ईजी है, आसानी से बन जाती है और सारे केक एक से बढ़कर एक आपको बिल्कुल मार्केट जैसे नजर आएंगे. तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूले, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी आप जरूर कर ले. लेट्स स्टार्ट द वीडियो. तो यहाँ पर हम मिक्सी जार लेंगे और मैदा लेंगे, 2 कप मैदा लेंगे. जनरली जब हम केक का बैटर बनाते हैं तो किसी बाउल में बनाते हैं, यहाँ पे मैं मिक्सी जार में ही बना रही हूँ. यहाँ पे मैं कॉफ़ी मग ले रही हूँ फॉर मेज़रमेंट. आप यहाँ पे कोई सा भी कप या कटोरी का मेज़रमेंट ले सकते हो. तो मैं यहाँ पे कॉफ़ी मग से 2 कप मैं मैदा ले रही हूँ यहाँ पे, और इसी कप से मैं यहाँ पे चीनी लूँगी 3/4 कप. अगर आप आइसिंग का यूज़ कर रहे हो यानी कि क्रीम का यूज़ कर रहे हो तो आप 3/4 कप ही चीनी लें. अगर क्रीम का यूज़ नहीं कर रहे हो तो 1 कप आप चीनी लें. साथ ही इसमें हम 1/2 कप दही डालेंगे. दही से जो केक है वो बहुत सॉफ्ट बनता है. बस दही जो है वो डायरेक्ट फ्रीज से निकाल के केक के बैटर में बिल्कुल भी यूज़ ना करें. यहाँ पर हम दूध ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं 3/4 कप. इसमें मैं 1 चम्मच वनीला एसेंस और 1 चम्मच वाइट विनेगर ऐड कर रही हूँ. मिल्क जो है हम थोड़ा थोड़ा इसमें डालेंगे और अच्छे से बैटर को एक बार चला लेंगे ताकि जो मिल्क है वो अंदर तक चला जाए. जो मिक्सी जार है, अगर आपके पास बड़ा वाला हो तो वो ज़्यादा अच्छा होता है. मिल्क का यूज़ हम बीच में करेंगे अगर हमें बैटर को चलाते वक्त दिक्कत हो या कम लगे, बैटर ज़्यादा थिक लगे तो मिल्क का हम यूज़ और करेंगे. तो यहाँ पर मुझे लगभग 1 कप मिल्क लग गया था. तो देखिए इस तरह से मैंने एक बार मिक्स कर लिया है और इसे हम फिर से एक बार चला लेंगे तो बहुत ही आसान हो जाता है. और ये देखिए 1 से 2 बार मैंने इसे चलाया है. अब इसमें बचे हुए इंग्रेडिएंट्स हम ऐड करेंगे. उसी कप से मैं यहाँ पे 1/2 कप ऑयल यूज़ कर रही हूँ. ऑयल की जगह पे आप बटर या फिर मलाई भी यूज़ कर सकते हो. अब इसमें हम मीठा सोडा डालेंगे यानी कि बेकिंग सोडा 1/2 टीस्पून, बेकिंग पाउडर 3/4 टीस्पून. स्पून का जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो आप देख सकते हो, घर का जो खाने वाला स्पून होता है, नॉर्मली जो हम अपने घर पर यूज़ करते हैं वो वाला स्पून मैं यूज़ कर रही हूँ. केक का बैटर बिल्कुल परफेक्ट है. अगर कम लगे तो आप यहाँ पे मिल्क का यूज़ कर सकते हो. अब जैसा मैंने पहले ही बताया था, हम यहाँ पे कप केक को कटोरी में बनाने वाले हैं यानी कि मोल्ड का यूज़ मैं यहाँ पे नहीं कर रही हूँ. अगर आपके पास मोल्ड है तो आप मोल्ड में भी कप केक को बना सकते हो. मोल्ड नहीं है तो इस तरह की कटोरियाँ जो हमारे घर पे होती हैं स्टील की, इसे हम अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ऑयल से, उसके बाद इसे हम यूज़ करेंगे. कटोरी के जगह पे आप जो कॉफ़ी वाले कप होते हैं ना पेपर वाले, उसमें भी आप केक को बना सकते हो, बेक कर सकते हो. तो ये देखिए इस तरह से कटोरी को मैंने सारे एक साइज के मैंने कटोरी ले ली है और इसे हमें अच्छे से ग्रीस कर लेना है. अब इसके बाद इसमें हम बैटर डालेंगे. तो ध्यान रहे कटोरी में पूरा बैटर हमें नहीं फिल करना है. ये देखिए 1/2 कटोरी से थोड़ा कम ही बैटर मैंने इसमें डाला है क्योंकि जब केक है वो राइस करेगा तो ये ओवरफ्लो कर सकता है. बस अब सारी कटोरी में जब हम फिल कर देंगे बैटर, उसके बाद सभी को हमें अच्छे से एक बार टैप कर लेना है. टैप करने से एयर बबल्स निकल जाएगा. और ये देखिए बीच में कटोरी नहीं जा रहा था और बैटर भी बच गया है, तो मैं एक छोटे से गिलास में भी इसे डाल देती हूँ. गिलास को भी मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है तो गिलास को भी मैं 1/2 ही फिल कर रही हूँ. तो केक का बैटर रेडी हो चुका है बेक होने के लिए. अब इस केक को हम बेक करने वाले हैं कढ़ाई में या फिर आप किसी भी एल्युमिनियम के यूटेंसिल में यूज़ कर सकते हो. तो कढ़ाई को मैंने प्री हीट कर लिया था. इसके ऊपर मैंने स्टैंड लगाया है और स्टैंड के ऊपर मैंने एक प्लेट रखा है जिसमें मैं सारे कटोरी को अच्छे से अरेंज कर दूंगी. ये वीडियो मिस हो गया क्योंकि मेरा कैमरा ऑफ था, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने कढ़ाई के ऊपर स्टैंड लगाया है, स्टैंड के ऊपर प्लेट लगाया है, इसके ऊपर मैंने बैटर रखा है. अब इसे हम लो फ्लेम में बिल्कुल बेक होने के लिए रख देंगे लगभग 30 से 40 मिनट के लिए.
और इसे अच्छे से कवर कर देंगे। टाइम जो है वो वैरी कर सकता है, आप 20 मिनट्स के बाद एक बार ज़रूर चेक कर ले गैस का फ्लेम या फिर जो यूटेंसिल हम यूज़ कर रहे हैं उसके थिकनेस पे भी बेकिंग का टाइम वैरी करता है। वाव, बिल्कुल परफेक्ट, एकदम बहुत ही बढ़िया केक बना है। इसे हम चेक कर लेते हैं और ये बिल्कुल बढ़िया से बेक हो चुका है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देते हैं, केक को हम ठंडा होने के लिए रख दिए थे और जब केक ठंडा हो गया इसके बाद मैंने इसे डीमोल्ड कर दिया है और अब खुद देखिए एक इतना सॉफ्ट और फ्लफी बना है, ना ही कहीं से टूटा है और ना ही कहीं से चपटा हुआ है। केक को डीमोल्ड हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ये देखिए निकल गया ना बहुत आसानी से, कहीं से भी नहीं टूटा है। ये जो है इसके लिए आपको बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का बिल्कुल सही मेजरमेंट डालना होगा। बेकिंग ये देखिए डेकोरेट करने के लिए होता है तो मैंने यहाँ पर क्रम्बल्स हो जाता है, यानी कि ब्रेड के कुछ क्रम्स हैं जिसे मैंने क्या किया है, ब्रेड क्रम्स को मैंने ग्रेट कर लिया था और उसमें फूड कलर ऐड किया है, एक येलो फूड कलर और रेड फूड कलर। साथ ही मैंने डेयरी मिल्क का एक टुकड़ा रखा है, चेरी रखा है, चोको चिप्स रखा है, यहाँ पे ओरियो बिस्किट और ये चॉकलेट सॉस रखा है। इन सभी चीज़ों से हम केक को डेकोरेट करेंगे। अगर आपके पास कुछ और भी चीज़ें हैं, कुछ और केक सजाने की इंग्रेडिएंट्स हैं तो उससे भी आप केक को डेकोरेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं व्हिप्ड क्रीम को इस तरह से अपनी मनपसंद शेप और साइज़ में लगा ले रही हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कुछ भी डिज़ाइन डाल सकते हो। व्हिप्ड क्रीम हम घर पे कैसे बनाएंगे मशीन से और विदाउट मशीन से, उसका वीडियो मैंने अपने चैनल में पहले ही डाल दिया है। साथ ही परफेक्ट व्हिप्ड क्रीम कैसे बनाओगे वो भी आप उसमें देख सकते हो। तो चलिए इसे हम डेकोरेट कर लेते हैं केक को। ये हो गए चोको चिप्स वाले केक। और अगर मैंगो का सीजन है तो आप यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर ऐड करने के जगह पे मैंगो भी डाल सकते हो। और ये देखिए ये हो गया चॉकलेट सॉस वाला, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यमी। वाह, मैं थोड़े से क्रीम यहाँ पे और लगा दे रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बनाना है ये ओरियो डेकोरेशन करना है। तो ओरियो के बिस्किट को मैंने थोड़े से क्रश कर लिया है और ये देखिए ओरियो का टुकड़ा तो बन गया ना, झटपट सा टेस्टी सा 5 तरह का कपकेक घर पे ही, बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी। केक का बैटर बनाने का स्टाइल अगर आपको मेरा अच्छा लगा हो मिक्सी जार में तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, इससे केक अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट और एक जैसा बनता है। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग बेकिंग और इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैंने केक की और भी रेसिपीज़ अपने लास्ट वीडियोज़ में डाला है जिसमें मैंने कुछ बहुत ही बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किया है जो कि हमारी कुकिंग में अगर गलती होती है तो केक अच्छा नहीं बनता है। तो उन वीडियोस को भी आप एक बार ज़रूर चेक कर लें, मैं वीडियो के एंड में उसका लिंक दे दूंगी। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और बेहतरीन रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।